महिलाओं पे, उनके फेलोशिप्स पे, उनकी ज़मीनों पे, उनके अधिकारों पे किस तरह हमला हो रहा है, किस तरह हम इससे लड़ सकते हैं, उसके लिए एक फ्रंट बनाया गया है। अलग अलग केसेस डाल के उनको जेलों में भरा जाता है, उमर खाली जेल में है, नाजीब को गायब कर दिया जाता है। एक भी इंसान अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है तो उसके पीछे एक दिन कारवा बन जाएगा। लोग एक साथ समूह में आते हैं और वो असर्ट करते हैं कम्युनिटी को लेके, तब वो चेंज आता है। हमें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाते हैं, नई आइडियोलॉजी लेके आते हैं, फिर अपने लोगों के खिलाफ लड़ाते हैं। ये हमको एजुकेशन दे रहे थे, ये हमारी बात कर रहे थे, ये हमारे राइट्स की बात कर रहे थे, तो इन लोगों को अप्रिशिएट करना, इन लोगों को सेलिब्रेट करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं और स्टूडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ड्रेविंस का यहां पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है और साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर की जो बुक है उसका भी यहां पर लॉन्च हुआ है वो, और तमाम लोग हैं एक बड़ी सोच के साथ यहाँ पर। स्टूडेंट ऑफ फेडरेशन ड्रेविंस ने यहाँ पर एक हल्ला बोला है और साथ ही साथ जो राइट्स थे, जो बहुजन के तमाम जो अभी तक जो मूवमेंट चलता आ रहा है उस पर चर्चा हुई है, तो ऐसे में तमाम लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर आने वाला मूवमेंट क्या रहेगा। क्या नाम है आप? सर मेरा नरेश कुमार है। नरेश कुमार, हाँ, मैं राजस्थान से हूँ। नरेश जी, आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा, सर ये एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ द्रविडियंस करके एक हमने एक सोशल मूवमेंट या कहें तो एक स्टूडेंट्स पार्टी हम लोग शुरू किए हैं, तो इसमें हम लोग जो भी आज के वक्त में जो हमला हो रहा है ब्राह्मणवादी तरीके से हो रहा है, SC/ST/OBC पे हमला हो रहा है, महिलाओं पे, उनके फेलोशिप्स पे, उनकी ज़मीनों पे, उनके अधिकारों पे किस तरह हमला हो रहा है, किस तरह हम इससे लड़ सकते हैं, उसके लिए एक फ्रंट बनाया गया है जिसमें ना सिर्फ ड्रविडियंस को एक बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में ना लेते हुए पीपल अक्रॉस संगठन से लोग आए हैं, अक्रॉस पूरे इंडिया से लोग आए हैं, जर्नलिस्ट ज्वाइन किए हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, OBC फोरम्स, नौकरी यूनियन से हम करुणानिधि ज्वाइन किए हैं, वकील ज्वाइन किए हैं, सो एक फ्रंट है। लेकिन सर फ्रंट भी बनते रहे हैं, फेडरेशन भी तमाम बनती रही, लेकिन समस्या जस की तस है ना? समझ जस की तस है, इसका मतलब ये नहीं कि सर हम लड़ना छोड़ देंगे, हम अपनी लड़ाई छोड़ देंगे। जिस भी फ्रंट पे हो, स्टूडेंट फ्रंट हो, ट्रेड यूनियन फ्रंट हो, कर्मचारी फ्रंट हो, वकील फ्रंट हो, एडवोकेसी हो, जहाँ से जो भी है लड़ाई हर फ्रंट पे लड़ी जाएगी। और जिस भी तरह से हो, स्टूडेंट मूवमेंट के माध्यम से, आदिवासी मूवमेंट के माध्यम से, दलित मूवमेंट के माध्यम से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे इसी तरह। लेकिन लगातार आपके हर अधिकार तो खोते जा रहे हैं लगातार, आप लोग जितना आप देख रहे हैं जितना भी बहुजन समाज है वो जागृति की तरफ जा रहा है, वो अपने अधिकारों को पहचान रहा है और वैसे ही उसके अधिकार भी खत्म होते जा रहे हैं, तो जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सर जिम्मेदारी जिस जब एक ऑल ओवर चौतरफा अटैक होता है किसी कम्युनिटी पे, किसी अधिकारों पे, तो हम जितना लड़ सके हैं उतना हम करते हैं, लेकिन हम ये कह के कि क्योंकि अटैक हो रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा है, ये कह के हम लोग अपनी लड़ाई बंद तो नहीं कर सकते हैं। तो यही एक है कि वो ऑप्रेस करेंगे, लेकिन इफ ऑपरेशन इज योर प्रिविलेज देन रेजिस्टेंस इज आर प्रिविलेज, इट इज़ आर राइट। सो वही इसी बात को बुलंद करते हुए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और अपना मूवमेंट, अपना पार्टी, अपना स्टूडेंट्स एक कहें कि यूनिटी को असर्ट करते हुए। देखिए तमाम नेता हैं जो संसद में रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों की बातों को, लेकिन वो खामोश हैं और आप लोग जो हैं सड़कों पे हैं बाहर। जिम्मेवार किसे मानते हैं? अभी तक का जो दौर चला है दलितों का, बहुजनों का, इस देश में SC/ST/OBC माइनॉरिटी का, तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? क्योंकि अगर अभी तक तो अधिकार मिल जाने चाहिए थे, संविधान आपके हक की बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके हक अधिकार हैं वो खोते जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है, जो मनुवादी जो विचारधारा है वो अभी ख़त्म हो चुकी है, या जो संसद में जो बैठे हुए हैं जो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें मनुवाद नहीं है, वो सब उसी मनुवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो जब तक हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, हम अपनी विचारधारा को लेके जब तक हम नहीं चलेंगे, अपनी बात जब हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमारे मुद्दे सोल्व नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी बात करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, वो मैटर करता है। तो पार्टी बनाना सोल्यूशन, पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है उस चीज़ों को, BSP की बात, BSP है, उसके अलावा भी पार्टी बनी हुई है जो बहुजन की बात करती है, बट वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और उनको अपनी आइडियोलॉजी में, जैसे BSP है तो अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना और खुद को भी उस आइडियोलॉजी की क्लियरिटी होना कि EWS का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर लगातार जागृति जो है समाज में बढ़ रही है, लोग पहचान रहे अपने हक और अधिकार को,
लेकिन जो उनको रिप्रेजेंट करने वाले सांसद हैं, 131 सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं, वो तो हर मुद्दे पे सरकार के साथ हैं, तो आप लोगों का फिर नहीं। देखो आजकल जो ये जो बीजेपी का जो डोमिनेंस है पूरे इंडिया में, बिकॉज मेजोरिटेरियन जब स्टेट बन जाता है तो इसमें वो लोगों को प्रेशराइज करते हैं, वो लोगों को ईडी और इसकी धमकी देते हैं अगर कोई उनके खिलाफ़ बोलता है, या नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज़, जब स्टूडेंट उनके खिलाफ़ बोलता है तो उनके खिलाफ़ केस होते हैं उन पे, मतलब अलग अलग केसेस डाल के उनको जेलों में भरा जाता है, उमर खाली जेल में है, नाजीब को गायब कर दिया जाता है, तो उनका डोमिनेंस है। तो लोग यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि अपने ही पार्टी के कुछ लोग उनके अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनका अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपनी एग्जिस्टेंस से ज़रूरी हमारी आइडियोलॉजी है, अगर एक भी इंसान अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है तो उसके पीछे एक दिन कारवा बन जाएगा, बट अगर हम अपनी मूल फंडामेंटल बातों को भूल के हम अपनी संख्या बचा लेंगे, अपने मूल्य को खो देंगे, तो हमारी एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी। क्या मानते, किस तरीके का समझते हैं इस समय जो बहुजन मूवमेंट है वो इंडिया में कहाँ पे है, कितना लग रहा है आपको, किस स्टेज तक पहुँचा है, और अभी और कितना काम करना बाकी? बहुजन मूवमेंट इंडिया में अभी बहुत सही तरीके से, मतलब काफ़ी इसमें ग्रोथ हुई है, जैसे नॉट ओनली BSP, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्टेट में से लोग निकल के आ रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, साउथ में भी जैसे RS प्रवीण सर हैं, या और भी अलग अलग पार्टीज़ में भी, जैसे स्टालिन, हाँ स्टालिन है, यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार में, हर स्टेट में अपना एक बहुजन ग्रुप निकल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भले ही वो सब यूनाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेज है, इवन जो कास्ट बोलता है कि हर एक कास्ट दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एक दूसरे अपने से नीची कास्ट ढूंढ लेती है, तो उस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है कि जब हमारी कुछ लोग असर्ट करते हैं, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक कम्युनिटी है, जैसे चमार कम्युनिटी, अगर जाटो कम्युनिटी यूपी का ले, वो अगर जाटो बोल के अपने आप को असर्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कास्टिज्म कर रहे हैं या वो वाल्मीकि या भंगी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण हमको डिस्क्रिमिनेट करते थे, जो स्वर्ण हमको डिस्क्रिमिनेट करते थे, हम उसके खिलाफ वोकल हुए हैं, बट ये लोगों में इतनी समझ नहीं है, तो लोगों में ये समझ पैदा करने की ज़रूरत है कि हम असर्ट करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो उन्होंने बनाया कि हमसे नीचे उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो ये तो सोसाइटी में चल ही रहा है ना, सोसाइटी में चल रहा है, बट इसी समझ को हमको सोसाइटी में बढ़ाना है, उतना टाइम लगेगा, वो हमारे इंटेलेक्चुअल। तो लोगों को लगातार गांव-गांव में जो है ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं लोगों को कि कितनी हज़ार जातियां हैं और किसने हमें बांटा है, ये सब चीज़ें तो पता लग गई हैं, उसके बाद भी जो है बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, एक्चुअली पता है, बट वो जिस तरीके से पता होना चाहिए कि ये सब लोग हमको सिस्टमेटिकली हमको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक जाति दूसरी जाति के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ये जो एंडोगेमी है, जो अपनी जाति में विवाह है, ये सब सिस्टमेटिक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं आज तोड़ना चाहूँ कास्ट सिस्टम को तो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, वो तो जब कम्युनिटीज़ एक साथ मिलके जब तोड़ेंगी, तो जब ये मूवमेंट जब होता है, जब लोग एक साथ समूह में आते हैं और वो असर्ट करते हैं कम्युनिटी को लेके, तब वो चेंज आता है, अगर दो चार लोग अगर वो वोकल हो रहे हैं उस चीज़ों के लिए तो उसमें नहीं होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको बहुत सारे लोग गाँव से निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, उनको समझ होती है, लेकिन फिर वो लिमिट रह जाते हैं यहीं पे शहरों में, हमको वापस उसी स्पेस में जाने की ज़रूरत है जहाँ से हम आए थे, और वहाँ पे लोगों को समझदारी डेवलप करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में हमको दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में वो नहीं समझेंगे, बट हमको हमारे तरीके नए नए लाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दें कि भाई ये लोग समझ नहीं रहे, हमको नए तरीके लाने हैं कि अगर वो कम समझ रहे हैं तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेके आए कि हमें इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमें इस तरीके से वो नीचा समझा जा रहा है, हमें इस तरीके से आज भी गाँव में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किस तरीके से वो हमको ऐसा सिखाते हैं कि हमें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाते हैं, नई आइडियोलॉजी लेके आते हैं, फिर अपने लोगों के खिलाफ लड़ाते हैं। बहुत सारी प्रोग्रेसिव, जैसे मैं JNU से आता हूँ, बहुत सारी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, लेकिन वो हमको सरस्वती को पूजना सिखाते हैं, लेकिन वो सावित्री को पूजना नहीं सिखाते हैं, भले वो जय भीम बोलते हैं, हुल जोहार बोलते हैं, बट दूसरी तरफ उनका हिपोक्रेसी देखो कि वो सरस्वती को मनाना सिखाते लेकिन सावित्री को मनाना नहीं सिखाते हैं। इस चीज़ों को हमको हाईलाइट करना, इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है, और फिर सोसाइटी में जाके समझने की ज़रूरत है कि भाई सावित्री माई, फातिमा माई, ये हमारे लोग हैं,
ये हमको एजुकेशन दे रहे थे, ये हमारी बात कर रहे थे, ये हमारे राइट्स की बात कर रहे थे, तो इन लोगों को अप्रिशिएट करना, इन लोगों को सेलिब्रेट करना हमारी जिम्मेदारी है। इनको वो लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो लोग उन्हीं लोगों को सेलिब्रेट करेंगे जो उनको कास्ट डोमिनेट बना रहा है, जो उनको प्रिविलेज दे रहा है। ये लोग हमको हमारी राइट्स दे रहे हैं, इसलिए हमको इनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो हमको गाँव में पहुँच के ये आइडियाज़ सावित्री माई को, फूले को, अम्बेडकर को, पेरियार को, इनको सबको लेके गाँव में जाना है और अपने लोगों को इनके बारे में समझदारी देना, फिर अपना बहुजन मूवमेंट उस रेंज में पहुंचेगा। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बहुजन मूवमेंट कोई, आजकल लोग बोलते हैं कि खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बहुत ज्यादा, आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हक, आप मानते हैं ना, हक अधिकार तो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। हक और अधिकार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सुवर्णा डोमिनेंस रहेगा और बीजेपी का जो ओपनली सुवर्णा डोमिनेशन है, तो बिल्कुल हमारे हक और अधिकार खत्म होंगे। जैसे अभी SC ST स्कॉलरशिप पे ये था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो खतरा है, ये हमारे लोग बोलते हैं तो उनको जेलों में भर दिया जाता है, तो ये हक अधिकार ऐसी। अच्छा, एक चीज़ और, JNU में जो अभी तक लगातार हो रहा है, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से, अभी वो गर्भ संस्करण भी वहाँ पर हुआ, गर्भधान संस्करण का इस तरीके की अभी खबरें आई, और भी तमाम खबरें अब JNU से लगातार आ रही हैं, और एक आपको क्या लगता है कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मनुवादियों की तरफ से, या कुछ बात और है? बिल्कुल, ये प्रोपोगेंडा तो होता है, लेकिन प्रोपोगेंडा भी केवल एक तरफ से नहीं फैलाया जाता। प्रोपोगेंडा जैसे, हाँ, राइट विंग के द्वारा ये जो भी उनका मीडिया है, खुद का मीडिया है, तो वो ऐसे JNU को दिखाते हैं कि भाई ये एंटी नेशनल है, ये इनको यहाँ पे तो बॉम्ब बनाना सिखाते होंगे, या ऐसे ये स्लोगन्स करते हैं, वीडियो एडिट करके वो ऐसा बताते हैं। लेकिन ये पब्लिक में है, लेकिन जब मैं एज ए बहुजन स्टूडेंट, एज ए दलित स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता हूँ, तो केवल ये JNU की सच्चाई नहीं है, JNU की सच्चाई इसके बियॉन्ड भी है। लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, वो भी हमारे खिलाफ एजेंडा बोल फैलाते हैं। जब हम अपनी बातें खुद करने लगते हैं, तो हमको ये बताया जाता है कि तुम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हो, या तुम्हारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम फूले को मानने वाले लोग, हम पेरियार को मानने वाले लोग हैं, हम सावित्री, फातिमा, इनको मानने वाले लोग, हमारे पास आइडियोलॉजी नहीं है, तो किसके पास आइडियोलॉजी है? तो हमारे पास आइडियोलॉजी है, और ये इस तरीके की तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं। JNU के तमाम स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ ड्रेवरेंस का एक बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, और प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि जन जागृति को और बड़े तरीके से जो है बहुजन समाज के पास पहुँचाया जाए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JustTV इंडिया।